भी है, जब तक मोक्ष नहीं मिले तो संसार भी है। ये तो कल उसने प्रश्न किया था कि संसार दशा में भी जीव सुखी दिखाई देते हैं, तो आपने फिर ऐसा कैसे कहा कि मोक्ष ही आत्मा का हित है? संसार में भी तो पुण्य के उदय से जीव सुखी दिखाई देते हैं, तो फिर जीव जो है मोक्ष में ही सुखी होते हैं, ये बात कहाँ ठहरी? पुण्य के उदय वाले भी जीव सुखी दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या उत्तर दिया था उन्होंने? हाँ, वास्तव में परमार्थ से संसार अवस्था में सर्वथा सुख है ही नहीं, दुखी है। लेकिन जब कभी किसी को थोड़ा दुख थोड़ा होता जाने तो उसको लगता है सुख। उदाहरण दिया था जैसे जैसे किसी को विषम ज्वर हो और ज्वर होने पर थोड़ा ज्वर कम हो जाए तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, दुनिया भी उसे अच्छा कहती है। लेकिन परमार्थ से जब तक रोग का सद्भाव है तब तक वह दुखी ही है। उसी प्रकार जब तक जीव के मोह का उदय है तब तक जीव दुखी ही है। जब तक आकुलता है तब तक दुखी। आकुलता घटने से दुख कम लगता है, उसको लोग सुख कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। दुख कम हुआ है, दुख के घटने को दुनिया सुख कहती है और अच्छा मानती है, अच्छा कहती है, लेकिन वास्तव में दुख घटना भी सर्वथा सुखरूप अवस्था नहीं। समझ में आया? अच्छा, ऐसी दशा भी यदि हमेशा बनी रहे तो उसको भी हित रूप ठहरा दो। पुण्य का उदय भी यदि जीव के सदा काल बना रहे तो उसको भी हित रूप ठहराए। लेकिन संसार में पुण्य का उदय तो बहुत थोड़े काल रहता है और बहुत अधिक काल तो जीव को पाप के उदय रहता है, इसलिए समझता हूँ कैसे हित रूप माने। क्या पुण्य का उदय कितने काल रहता है? बहुत थोड़े काल, इसलिए संसार अवस्था में सुख माने ये जो सुख जो दुख कम भी होता है तो बहुत थोड़े काल के लिए होता है। और वो बल्कि एक्चुअली दुख कम हुआ है वो तो अपने को एक अवसर मिला है। काय का? दुख के अभाव करने का। दुख कम हुआ है काय के लिए मिला? दुख कम हुआ है तो मजा भोगने का, मजा भोगना, आनंद भोग लो। दुख कम हुआ है बड़ी बहुत थोड़ी रिलीफ मिली है। रिलीफ इसलिए मिली है ताकि रोग दूर हो जाए। रोग दूर करने के लिए रिलीफ वाली दवा दी गई है। रिलीफ जो है वो टेम्पररी है, कभी कभी देते हैं, आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलता है, पेन किलर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा। अरे बेटा ये जब तक है दवाई का असर तब तक ये चल रहा है, जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाएगा फिर वैसा का वैसा दुख चालू हो जाएगा। इसलिए ये अवस्था ये तो थोड़े काल ही रहेगी और इसमें अपने को इलाज करना है। ये जो नशा एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसको इलाज करने के लिए दिया जाता है, ऐसा तो ही नहीं कि बस सुबह ही दो फिर जग जाए फिर एनेस्थीसिया दे दे। क्या उसे कोई हल निकलने वाला कुछ नहीं होगा। पेन किलर कहेगा कि कब तक जीवन चलाओ? पेन किलर किस लिए मिलता है? पेन ने किल किया है कुछ काल के लिए, बाकी कोई रोग को दूर नहीं किया। असली बीमारी तो रोग दूर होने से दूर हुई। तो ऐसे ही जीव के कुछ पुण्य का उदय आया है तो इसलिए आया है कि तुम मोक्ष मार्ग का उपाय करो,
तो इसलिए नहीं आया कि बस भोगो, ये धन इसलिए मिला है ताकि तुम अपना अधिक से अधिक समय मोक्ष मार्ग के लिए दो। मुक्ति के लिए धन मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, क्या मुक्ति खाने के लिए नहीं है ये, मुक्ति के लिए है ये। ये दिवाली के महावीर जयंती का ही लिए आती है, मुक्ति खाने के लिए कि मुक्ति के लिए। यद्यपि अपन उसको मनाते अलग तरह से कि अन्नमत वाले तो भगवान को भोग लगाते हैं, अपने लोग तो अपन ही बना उनको खा लेते हैं खुद ही। आज सब आज महावीर जयंती है तो इकट्ठा एक भंडारा हुआ और दान भी दे दिया अपन ने, अपने पैसे लिए अपने खाने के लिए दान भी हो गया समझ, और खुद ने खा भी लिया तो दान भी हो गया और धर्म प्रभावना भी होगी कि खा के भी तो धर्म प्रभावना चल रहा है ना। लोग कहते भी ऐसा प्रभावना जरूर कर दिया, प्रभावना खा के कौन सी प्रभावना है, मेरे समझ नहीं आता क्या है सब जो भी है। क्यों खुद को ही भोग लगाए और धर्म भी हो जाए तो वो काहे के लिए मिली, वो दिन काहे के लिए मिला था, महावीर जयंती आई के लिए मिली थी, भंडारे के लिए इसे मिल गया भंडारा करो खाओ आराम से, किस चीज के लिए होती है। तो ये पुण्य का उदय अभी अपने आया है थोड़े काल के लिए, तो काहे के लिए आया है, भोगे इसको खूब। ये बहुत जिम्मेदारी के लिए मतलब जो मिला है ये, इसका उपयोग यदि जिम्मेदारी से नहीं किया तो पुण्य का उदय तो नष्ट होने वाला है। भाई साहब आपको एक क्षण मिला है ये समझ लो आपने अनंत भाव की कमाई की है, उसका ये एक समय का मनुष्य पर्याय है। इसको कहाँ खो रहे हो, सोचो कहाँ खो रहे हो। ये चक्रवर्ती की संपदा से भी बढ़ के मनुष्य भाव का एक समय, तो इसलिए पुण्य का उदय, पुण्य का उदय भोगने के लिए नहीं मिला है, पुण्य का उदय मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए मिला है। क्या एक तो बात ये कही थी कि ये संसार अवस्था में पुण्य का उदय सदाकाल होता है, यदि ये भी रहे तो इसको भी हित रूप ठहरा है, इसलिए पुण्य का उदय सदाकाल नहीं होता। संसार अवस्था में बहुत काल तक तो पाप का ही उदय होता है। फिर दूसरी बात ये थी कि संसार में सामग्री से सुख नहीं मिलता, ये पॉइंट बताया कि संसार में भी सामग्री से कोई सुख दुख नहीं है, सुखी दुखी नहीं है। ये जो नाप है गलत है, क्या संसार में जिसके पास ज्यादा सामग्री है ज्यादा सुखी है, जिसके पास कम सामग्री है वो दुखी है, ऐसा अपन रोज ही देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसे कोई सामग्री से सुख दुख का कोई नाप ही नहीं, बल्कि होता है कि जिसके पास सामग्री ज्यादा रहती है वो ज्यादा दुखी होता है, जिसके पास सामग्री कम होती है वो कम दुखी होता है। मरते दम तक कौन निश्चिंता से मरेगा, जिसके पास सामग्री बहुत ज्यादा होगी। बेटा तेरे को जल्दी 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 बता दूंगा तेरे को किस किस को दे रखा है, तो मर नहीं जाऊ तो दिया पता ही नहीं चलेगा, तो वो आत्मा की थोड़ी नहीं सोचेगा। ब्याज बट्टे वाले ने किसी को पैसे दे रखे होंगे, मरते दम तक उसको सबसे पहले क्या याद आएगा, सबसे पहले जितने भी लोगों को दे रखा है वो अपने बच्चों को उनके नाम बताया कि कल ही दिए मिले, उसको अभी हिसाब में भी नहीं लिखा है, कल ही दिए, परसों उसको दिए, परसों उसको दिए, और जिसके आए हैं वो नहीं बताएगा पहले किस किस के आ गए, क्या वो तो ये निपट लेंगे किस किस को दिए हैं फटाफट फटाफट। क्यों जिसके पास होएगा ही नहीं वो क्या बताएं, समझ लो अपने पास वैभव परिग्रह है ही नहीं तो हमको आखिरी में परिग्रह के विकल्प ही क्यों होंगे, अपने ये विकल्प तो ही नहीं होते। लास्ट लास्ट में लालगढ़ में क्या होगा, मेरे मन नहीं होगा लाल कोठी का क्या होगा, ये विकल्प होते हैं, ये विकल्प किसको होंगे, जिसका लालगढ़ा हो जिसकी लाल कोठी हो उसको विकल्प आएंगे, हवेली के विकल्प उसको आएंगे, हमको क्या आएंगे, फैक्ट्री के विकल्प किसको आएंगे, गाड़ी घोड़े जो भी है तो जिसको जितना परिग्रह है उसको उतना दिए विकल्प। एक्चुअल परिग्रह अपने को विकल्पों में उलझाने के लिए होता है, परिग्रह मतलब क्या उसकी संभाल करो और क्या करो, कि साहब बहुत मेरा मकान देखो कितना बड़ा मकान है, मैंने कहा मकान बहुत बड़ा, इस मकान इतना बड़ा है इसका मतलब ये है कि तेरा उतना ही समय भी इसकी सेवा में चले जाता है। क्यों, क्योंकि देखो मकान में रहने के कितने कमरे काम आते हैं, दो, वो बाकी जगह क्या लगती है, झाड़ू, झाड़ू लगती है,
तो बाकी सब जगह जो कम, बाकी जो इतना बड़ा है ना, वो इसको क्या होता है, इसके पुण्य का होता है क्योंकि पाप का होता है, इसको झाड़ू बनाने वाले के लिए इसको ऐसा मकान मिला है कि तू बेटा झाड़ू वाली बात जैसा वो काम वाली, अरे काम वाली कोई रोज थोड़ी नहीं आती है, आ जाती है और काम वाली आए तो काम वाली जो है वो झाड़ू लगाई नहीं लगी है कि नहीं। सबसे पहले सुबह सुबह फिर वही याद आए इतना सारा झाड़ू लगा ली है, काम वाली नहीं आएगी तो क्या होगा, और काम वालियाँ भी आ जाए तो उसको आँख पूरा नजर लगाए कहीं कुछ ले भी जाए कुछ कर ले जाए, आता है सब क्या कर सामग्री इसमें जीव ने भ्रम से सुख मान रखा है। कल उन्होंने ये तो उदाहरण दिया था पंडित जी ने कि कोई यदि धनवान भी है उसके अल्प धन है थोड़ा सा भी धन चले जाता है, चले जाता है, काम वाली नहीं आती है तो वो फिर घर वाले को गुस्सा निकालती है, आज तुम करो क्या करो क्या क्या भैया। आजकल काम वाली जैसे अपन समझ लो दरवाजा खोलते हैं, अपन सोचते हैं अपना स्वागत होगा, कौन तुम, हम तो समझे वो भाई आई हुई कि भैया वो आ जाती तो अच्छा है क्या। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्यों अपन मतलब घर पे घुसा ही इस टाइम पे क्या, जैसे कोई मनोजी आ गई हो दरवाजा खोल के बड़ी खुशी लगी उनको कि चलो आ गई भाई, ये तो ये आया है। इस संसार में अपने से ज्यादा कीमत तो भाइयों की है, क्या काम की क्या है, भाई तो कम से कम बर्तन साफ करेगी साफ के करेंगे तो खा के और गंदा कर दे, ये वस्तु स्थिति जिसके पास काम अधिक रहेगा तो क्या होगा, विकल्प तो चलेंगे ही ना भैया, देखो चीज होगी तो चीज के विकल्प तो रहे बिना आए बिना रहेंगे ही नहीं, कुछ भी कर ले क्या आपके तो वस्तु रहेगी तो वो आपको उलझाए बिना रहेगी नहीं, आप कितने पुरुषार्थी हो लाख के दो, मैं तो बस फटाफट एक घंटे मंदिर चले जाता हूँ, बेटा तू मंदिर भी चले जाएगा तो तेरे को माला बैठते बैठते नहीं कोई याद आएगा क्या, भाइया याद आएगी तेरे को, यदि दुकानदारी कोई बिजनेसमैन होएगा फैक्ट्री वाला होगा तो उसको वर्कर याद आएंगे, क्या याद आएगा बताओ क्या मतलब। परिग्रह आदमी को उलझाने के लिए होता है, वैसे तो परिग्रह अपने उसका कोई सदुपयोग करके अपने को मोक्ष मार्ग में भी लगा सकता है, लेकिन ये जीव उसका सदुपयोग नहीं करता उससे और उसको और वृद्धि के उपाय में लगा रहता है, उसको मरते दम तक उसकी वृद्धि के उपाय में लगा रहता है और वृद्धि करने के लिए वो उसकी गुलामी करता है, मतलब उसकी गुलामी मतलब निरंतर उसकी सेवा में रक्षण में उसके बढ़ाने में उसके उसको आकुलते ही भोगता है, क्या भोगता है जी, कुछ तो नीति की कहावत है बिल्कुल सच्ची है कि व्यक्ति ये धन व्यक्ति का गुलाम होना चाहिए और ये क्या हो गया है व्यक्ति धन का गुलाम हो गया, वो हमारा सेवक है कि हम उसके सेवक है, वो भाई हमारी सेवक है कि हम उसके सेवक, लेकिन हम उसके सेवक हो गए नहीं आए तो हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना काम फैला रखा हर चीज का ऐसा है, जिसने जितना काम फैलाया है वो उतना आकुलता में जीता है, सामग्री सुख का कारण नहीं है दुख का कारण है। आप कपड़े अधिक हो गए तो क्या होगा, संभाल करते फिर कौन कहाँ रखा है कौन कहाँ नहीं रखा है, नहीं होता घड़ी करते रहो उसकी इधर से उधर क्या करोगे बताओ, हर चीज का देख लो जो गाड़ी घोड़ा जो चीज होगी उसकी साफ सफाई उसका मेंटेनेंस उसको संभालना उसको टिकाना सब आकुलता का कारण है, इसलिए जो जितना हल्का है वो उतना अधिक सुखी और जो जितना भारी रखता अपने आप को इन सब सामग्रियों की ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए उतना अधिक आकुलित है दुखी क्या। देखो और क्या कहते हैं तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, मतलब कोई समझे कि हमारे पास सामग्री ज्यादा आ जाएगी तो आकुलता कम हो जाएगी, सामग्री हमारे पास अभी कम है तो आकुलता ज्यादा है, पंडित जी कहते हैं ब्रह्म हो आकुलता ज्यादा सामग्री ज्यादा आ जाएगी तो आकुलता कम हो जाएगी, कुछ नहीं है संयोग बदलने से भी आकुलता कम नहीं हो जाती है, बदल के देख लेना कभी, क्या तुमको लगता हो कि भाई ये संयोग हमारे को दुख का कारण है, बदल के देख लो
कुछ नहीं, उससे कुछ हो जाता है, अपनी जिंदगी में तरक्की हो जाती है। समझ लो कोई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में क्या हो गया उसका, कुछ नहीं। आकुलता जो दूसरी चीजों की आकुलता है। सामग्री मतलब सहयोग बदल भी जाए और कषाय नहीं घटे तो आकुलता जो कि त्यों ही रहती है, मतलब आकुलता का संबंध अंतरंग कषाय भाव से, सामग्री से नहीं है। जितना उपाय हम सामग्री जोड़ने में लगा रहे हैं उसका अनंत का उपाय भी कषाय घटाने में लगा है तो आकुलता कम हो जाए। तो उपाय काय में करते हैं, सामग्री जोड़ते, सामग्री आ जाएगी कम आकुलता होगी, आकुलता कम नहीं होगी। आकुलता यदि कषाय बढ़ेगी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कषाय नहीं बढ़े इसका उपाय करो। पूरे दिन भर सुबह से शाम तक उपाय ये रहे कि कैसे मिथ्यात्व कषाय भाव कम हो, मिथ्यात्व कषाय भाव की वृद्धि नहीं हो, अंदर में तृष्णा नहीं बढ़े, मान कषाय नहीं बढ़े, क्रोध नहीं बढ़े, छल कपट नहीं बढ़े, मिथ्या मोह नहीं बढ़े। यदि ये नहीं बढ़ेगा तो कोई दुखी नहीं कर सकता, और ये बढ़ गया तो वो सामग्री कोई भी आ जाए कोई सुखी भी नहीं कर सकता। तो आकुलता बढ़ना घटना भी भाई सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भाव के अनुसार। कषाय भाव घटती है तो आकुलता घटती है, बढ़ती है तो आकुलता बढ़ती है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, और किसी के बहुत धन है उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत होता है। तो देखिए दुनिया में अपने से अधिक धन वाले अनेकों है क्या, लेकिन फिर भी वे आकुलित चित्त है, फिर भी उनको कम लगता है। अपने जो है अपन को यदि उसमें संतोष है बहुत लगता है तो अपन बहुत अपने को सुखी अनुभव करते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा। तृष्णा है ना, तृष्णा किसकी कितनी है, जिसको नंबर वन बनना है वो कौन सुखी कर सकता है, जिसको नंबर लास्ट ही बनना है उसको कौन दुखी कर सकता है। दुनिया में कंपटीशन ही दुख का कारण, कोई भी चीज है ना, किसी भी चीज की कंपटीशन हो, छल कपट कॉम्पिटिशन भाई तू कर ले। जैसे ये होता नहीं है शादी ब्याह में नाक वाक खींचते छल कपट कर लगाते हो, क्या करते हो तिलक लगाते, तिलक लगाते लगाते नाक पकड़ लेते। तो मैंने कहा भैया पकड़ना ही है नाक, पकड़ लेते हो नाक चाहिए। मैं क्या है कि पहले ध्यान रखू कि ये नाक ये पकड़ नहीं ले, उपयोग इसमें लगाए ऐसी ऐसी उठपटांग कंपटीशन में हम क्यों फंसे। दुनिया में कोई भी कंपटीशन हो जिसमें हार हो जीत हो अपने को ध्यान रखना पड़े, एक जीत जाए या हार जाए, कोई कंपटीशन में है ही नहीं क्या। दुनिया की कोई कंपटीशन नहीं, हमारी कंपटीशन केवल एक ही चीज से, अपने आप से, अपने विकारी भाव से कॉम्पिटिशन है, भाव से। बाकी दुनिया में किससे कंपटीशन करते, की कंपटीशन क्या, दो दिन के लिए चार दिन के लिए यदि किसी को बड़ा बनना है नाक लेना, नाक ले वो कुछ पकड़ना इसे क्या हो जाएगा क्या। छोटी छोटी बातों की बातें क्या, कौन बड़ा, नंबर वन पार्टी कौन, नंबर टू कौन, नंबर थ्री कौन, अरे नंबर वन क्या, नंबर टू क्या, नंबर थ्री क्या, काय की कॉम्पिटिशन। सबसे पहला नियम ये होना चाहिए अपन किसी भी प्रतिस्पर्धा में है ही नहीं। ये प्रतिस्पर्धा राग द्वेष का कारण है। तो अपन भाषण प्रतियोगिता रखो क्या, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना, भाषण तो फिर भी ठीक है, गायन उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो तो ये आपस में एक दूसरे को लड़ाना हो तो ये काम करो, कुछ भी करो आप, किसी को संतोष नहीं होगा, मेरा फर्स्ट कैसे नहीं है, मैंने इतना अच्छा गाया क्या। फटे बांस वाले को भी ऐसा लगता है कि मेरा गला जो है बिल्कुल बहुत सुरीला है, किसी को बुरा तो नहीं लगता अपना गला। और कौन को फर्स्ट में, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ, ये सब मान कषाय के जितने भी काम है ये सब आकुलता के कारण है। लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है लोगों को अच्छे लगते हैं सब, जितने भी कंपटीशन है ना, जितनी भी ये जो होती है सब, ये एक्चुअल में और लड़ाई झगड़े के लिए होती है। लड़ाई झगड़ा कषाय और बढ़ जाती है, वो धर्म वरम तो एक तरफ जाता है और कषाय कारण बन जाते हैं, होते ही नहीं होते, किसको फर्स्ट पे किसको सेकंड। अरे बिल्कुल विशुद्ध भाव से
तब तो अभ्यास करो, क्या रहा है जीवन में फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, सब आपस में साधन नहीं है, सब बराबर है, कौन बड़ा है यहाँ पे और कौन छोटा, हम सब मुक्ति के मार्ग के पथिक है, इसलिए हम किसी कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। जितनी भी कॉम्पिटिशन है वो सारी दुनिया वालों को मुबारक, जिसको जिसमें फर्स्ट बनना हो फर्स्ट बनो, सेकंड बनो, जो बनना हो बन जाओ, क्या तो उसके उसके आकुल तक कौन आकुल कर सकता है, और अगर हर चीज में जाए मेरे तो फर्स्ट होना चाहिए हर एक चीज में, तो भाई जहाँ हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं आया फर्स्ट तो क्या होगा आकुल, समझ में आया ना। मान के शायद दुख का कारण है कि नहीं, जिसके मान अधिक है वो अधिक आकुलित है, और जिसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कौन पूछता है ना कौन नहीं पूछता है ना फर्स्ट ना सेकंड, उसको कौन दुखी कर सकता है। जिसको अग्रिम रहने की अभिलाषाएं हैं वो ही दुखी हो सकता है, जिसको उस जाति की अभिलाषा नहीं है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसे छल कपट करना है छल कपट से कार्य सिद्ध करना है, उसको आकुलता होगी छल कपट करने, जिसे करना ही नहीं कोई छल कपट, कोई आगे नहीं, कोई लालच नहीं है थी, ऐसा कोई क्रोध नहीं है, किसी को बुरा करने की भावना नहीं, तो आकुलता किस बात की होगी, आकुलता तो कषाय से होती है। ये कह रहे पंडित जी की जिसके किसी के थोड़ा धन है, इन्होंने एक लोग पे घटाया फिर आप सब पे लगा लगा कि किसी जिसके यदि थोड़ा क्रोध है दूसरे का बुरा करने की भावना कम है तो उसकी आकुलता थोड़ी है। सेठ जी हो लेकिन गुस्सा खूब आता हो तो अपने आप से दुखी रहते हैं, क्या करें, तो किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता भी होती, और थोड़ी बातें कहने से क्रोध आ जाए तो उसको आकुलता बहुत होती, क्या इन्होंने ऐसा देख के से किया, इन्होंने ऐसा देखा हंस रहे थे देख के कुछ बुरा किया, क्यों क्या कह रहा था भैया तू, कुछ नहीं साहब हम तो अपने बात कर रहे थे, एक इन्होंने कोई चुटकुला सुनाया भैया थी, अच्छा हमें बेवकूफ बना दे तो हमारा बड़ा हंस रहे कुछ बात न बात तो बता मेरा चालू हो गया। मैं तो आए दिन देखता था रोज तो गाड़ी घोड़े वाले टच भी नहीं होते उसके पहले ही वो उतर जाते हैं, मैंने कहा भाई लड़ने तो दो आपस में लड़ लग जाए तुम दोनों भिड़ जाओ फिर लड़ लेते कि नहीं फिर लड़ लेते फिर क्या मतलब, ये तो पहले इसको बताना पड़ता है कि लड़े नहीं किसी बात है, क्या इतना आदमी उतारू है लड़ने के लिए कि उसके पास कोई भी मौका चाहिए कुछ भी कारण, किसी किसी को है पर किसी को बहुत कुछ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या किसी की आकुलता थोड़ी हो, किसी ने बहुत बुरा कहा तो भी गुस्सा कम आता है तो आकुलता कम होती है, और किसी को क्रोध कषाय बहुत है कोई कुछ भी थोड़ा भी कह दे तो उसको सहन नहीं होता आकुलता बहुत हो जाती है। देखो जिन परिस्थितियों में जो परिस्थिति होती है ना, मैंने जिन परिस्थितियों में एक आदमी रहता है वही परिस्थितियों में दूसरा भी रहता है, सभी रह रहे हैं संसार में, सभी हम ही आप सभी रहते हैं, और सभी निंदा के वचन भी सुनते हैं प्रशंसा के वचन सुनते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं जीव कि जिसको सदाकाल पुण्य का उदय रहता, सब सुनते हैं लेकिन फिर भी सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, होते ही नहीं होते, किसी किसी को बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातों पर गुस्सा आ जाता है और किसी को बहुत कुछ कह दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आकुलता किसको ज़्यादा हो रही है, थोड़ी थोड़ी बातों में जिनको गुस्सा आ जाता है बहुत आकुलता चलती है, सहनशीलता ही नहीं क्या करें, दुखी है वहां दुखी अपने आप से, और किसी को सहनशीलता बहुत है पृथ्वी जैसी सहनशीलता है, कोई कितना ही कह दे मुंह पे कभी मतलब मुंह पे ही नहीं अंतरंग में क्रोध भाव आता ही नहीं, तो आकुलता थोड़ी नहीं है उसके, समझ में कितने ऐसी मान पे भी लगा लगा किसी का सम्मान ना भी हो क्या किसी सम्मान नहीं होने पर भी मान कषाय मंद होने से आकुलता नहीं होती, किसी का खूब सम्मान भी करो लेकिन मान कषाय तीव्र होने पर सम्मान करते करते भी थोड़ी कमी रह जाए तो आकुलता बहुत हो जाती है, आपने मेरा सम्मान तो किया लोगों को तो बुलाया ही नहीं जा रहा एडवर्टाइज के लिए,
अरे भाई अब क्या करते हैं, नहीं थोड़ी ऐसी कमी कमी पसंद नहीं करते, होते होते भी आकुलता हो गई, और दूसरे के कुछ नहीं है वो आकुलता ही नहीं। ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, इन सारे प्रोग्राम का असली आनंद कौन भोगता, हम दर्शक। पंच कल्याणक का असली आनंद कौन भोगता है, दर्शक। जितने मंच पे रहते हैं हर एक किसी को, एक को आकुलता रहेगी घंटी आई कि नहीं आई, एक को आकुलता रहेगी बजाने वाला आया कि नहीं आया, सबसे ज्यादा आकुलता में जितना प्रतिष्ठाचार। भगवान का जन्म हुआ और घंटी भूल गए और बजाए कौन बाजा, चक्कर भैया मत करो, अभी मत करो जन्म, कि अब तो कह दिया जन्म हो गया, अब क्या करें कि घंटी आई बजेगा कैसे, बाजा कैसे बजेगा, बताएं कैसे लोगों को, वो माहौल कैसे क्रिएट करें। एक एक छोटी छोटी चीजों में आकुलता हो जाती है, बेट बड़ा क्यों, और जनता जनता को फर्क नहीं पड़ा, जनता ने सुना कि हाँ जन्म कल्याण हो गया, नहीं घंटा हुई जनता ने अपने हाथ से ही ताली बजा के हाथ ले लिए, और पुण्य भी बन गया जनता को, और ये तो पाप बांध के चला गया, क्योंकि उसको दिखाने की आकुलता ना, मेरा प्रोग्राम फंक्शन घंटे का जो आनंद था वो आया ही नहीं इस समय, इतना बढ़िया क्षण मूवमेंट ऐसे चला गया, अब वो मूवमेंट कब आएगा फिर, यहाँ तो अब होएगी दूसरी बार, गया मौका गया, चांस चला गया हाथ से, क्या क्या चांस गया भाई, समझ में ना। ये सब घर है, जितनी आप अपने सिर पे लोड ले लो, 50-60 काम क्या, जितना बड़ा मैनेजमेंट उतनी ज्यादा आकुलता। अपन अपने घर का एक छोटा सा काम करना, जन्मदिन बना के देखना और फिर देखना क्या होता है, एक एक चीज की आकुलता, ये बना के नहीं, ये बना के नहीं, 10 चीज बनी कि नहीं बनी, बाहर अटेंड करने वाला है कि नहीं, खाना साफ करने वाला आए कि नहीं, काम करने वाला आए कि नहीं, वो आदमी आया कि नहीं आया, इधर ये हुआ कि नहीं हुआ, दिन भर क्या करता है आदमी, आकुलता है बहुत, क्या करता है बता, विवाह मतलब क्या है, घोर आकुलता। क्या शुरू से आकुलता, मतलब आदि से लेकर अंत तक आकुलता ही आकुलता, बीमार हो जाते लोगों, तबीयत खराब हो जाती है, नींद चली जाती है, परेशान, लेकिन अब वो आकुलता को दिखती नहीं है, कोई आकुलता भी बस उसमें इतना ही होगी, एक थोड़ी सी उसमें ये निराकुलता मिलती है कि मुक्त हो गए झंझट से। मतलब एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो जिम्मेदारी से रिलीफ का थोड़ा अनुभव होता है, बाकी दूसरी जिम्मेदारी इतनी आ जाती है कि वो सब एक कोने में रह जाती है, और आजकल तो दिखाने में कितना है, ये वो फलाना ढिकाना सब दुनिया भर के, और कोई थोड़ा और निंदा कर दे वहाँ पे, ये कैसे रखा है, इसमें बिल्कुल अकल नहीं है एकदम, तो सब देखते देखते ऐसा लगे बिल्कुल कि सब कुछ कोरा पानी में मिल गया। जिंदगी, आदमी जो है ना जिंदगी में दुख को दुख अनुभव नहीं करता, मैंने ये जो आकुलता रूप दुख है ये किसी को भाषित ही नहीं होता है कि ये मैं आकुलता के दुख को भोग रहा हूँ, अब जब दुख का ही स्वरूप भाषित नहीं होगा तो सुखी क्या होगा, ये मैंने धर्म तो इतनी ऊंची चीज है कि ये वास्तविक भोग अपने को कराता है, लेकिन वास्तविक भोग किसको, जिसको कि ये संसार में आकुलता दुखरूप भाषित हो, जिसको आकुलता का दुख सहन नहीं होता हो, जिसे लगता हो कि ये सब बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक और महा आकुलता रूप है, ये महा आकुलता जनक आकुलता को उत्पन्न करने वाला है, और इनसे कैसे छूटा जा सकता, जो उस आकुलता से छूटने का उपाय सोचता है उसको मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मिलता है, और जिसको वो आकुलता ही नहीं लगती उनको छूटने का उपाय हो जाएगा। घर गृहस्थी क्या है, आकुलता। देखो और क्या कहते हैं, तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, गाय को बछड़े से कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो बहुत क्या, ये गाय का उछड़ा बछड़े का इसलिए उदाहरण दिया, गाय को सबसे ज्यादा बछड़े से मोह होता, आदमी का उदाहरण नहीं दिया, आदमी को ऐसा नहीं होता, आदमी का स्वार्थ होता, क्या आदमी तो अखबार में देता है नाम, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आदमी का परस्पर में दोनों का स्वार्थ है,
अच्छा बछड़े और गाय में क्या, दोनों परस्पर में प्रीति करते, गाय जो है बछड़े के लिए जानते थे बछड़े को कुछ करने आ जाए, देखना क्या गाय को बछड़े को इसने होता निस्वार्थ भाव से इसने करती, यहाँ तक कि दूध निकालना तो पहले बछड़े छोड़ दें, बछड़े को दूध पिलाती है फिर वो उसका फिर वो दूध उससे निकाल सकते हो, दूध नहीं देती तब दूध छोड़ती नहीं हो, पहले बछड़ा पिएगा थोड़ा बहुत तो दूध मिलेगा। ऐसे संसार में मतलब ये गाय के गाय का जैसा बछड़े से मोह होता है ऐसा मोह किसी को नहीं होता, किसी प्राणी का ऐसा उदाहरण नहीं। पहले मैंने बताया ना बंदरी का, लेकिन बंदरी भले ही छाती से लगा के रखती है अपने बच्चे को, लेकिन बंदरी भी लास्ट मोमेंट पे उसको छोड़ देती है पानी के अंदर, यदि बाढ़ आ रही हो और खुद भी मर रही हो तो बंदरी फटाक से अपने छाती से बच्चे को निकाल के और नीचे रख के और उसके ऊपर चढ़ जाती है, खुद नहीं मरे, वो मरेगा कि नहीं मरेगा। तो इसलिए गाय अब यहाँ तो उल्टी ही उसमें कह रहे हैं, यद्यपि गाय के बछड़े का उदाहरण वात्सल्य के लिए दिया है फिर यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हैं कि भैया गाय को बछड़े से मोह बहुत है तो यद्यपि बछड़े से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती लेकिन उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती, गाय को उसकी रक्षा की आकुलता बहुत है क्या, अब गाय का बछड़े से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि देखो अपने यहाँ तो क्या होता है आपने बुढ़ापे में कमा के लाता है आपकी सेवा करता जो भी करता है लेकिन बछड़ा कुछ नहीं करता, बछड़ा गाय की बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करता, ऐसी कोई व्यवस्था मानी है कि वो बछड़ा पांव दबा रहा हो गई है। हाँ सही बात है, और वो उस जाति का मतलब उसमें वैसा भाव भी वो बछड़े में भी वो वैसा भाव निकल जाता है और वो माँ में भी निकल जाता है, याद मतलब हाँ तब तक उसका उससे वो बछड़ा भी मातृ का जो भावना है भाव वो चले जाते, बात सही 100% सही है, परस्पर में फिर उनका उनके पुत्र हो जाते हैं परस्पर, वो जब तक बछड़ा रहता है ना तब तक उसका इसलिए रहता है उसका, तो उससे प्रयोजन कुछ भी नहीं है, तो ये कह रहे हैं प्रयोजन उससे कुछ भी नहीं है, एक गाय को सहज ही बछड़े से मोह बहुत है तो मोह बहुत है तो उससे क्या है हानि कि उसकी रक्षा करने की आकुलता बहुत है, मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब वो मोह होने से वो अपने खुद के लिए भी हम उसके लिए मर रही है, मतलब खुद की आकुलता होती तो चलो समझ में भी आता लेकिन अब तो एक आकुलता का कारण और जोड़ लिया कौन वो बछड़ा, अब वो बछड़े की पूरी मतलब बछड़े के पीछे पूरी आकुलता हो रही है उसको, बछड़े को खाने को मिला पीने को मिला, आकुलता खुद की नहीं है ज्यादा उसकी ज्यादा आकुलता, मतलब जो जो उसकी दुख होगा उसकी आकुलता सब किसको होगी वो गाय को, अपना अपन कर रखा ना उसमें मेरा ये तो उसकी सारी उसके रक्षण की उसके पालन पोषण की उसके वृद्धि की उसको बढ़ाने की उसकी सबकी आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सत्य है, सुभट माने सुभट कौन है, पहलवान योद्धा, तो शरीर आदि से बहुत कार्य सत्य है, शरीर से बहुत काम हर आदमी के शरीर से बहुत कार्य सत्य है, परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है, सर कटा सकते हैं लोग सर झुका सर झुकाएंगे जो छाती पे वार लेके आएंगे पीठ नहीं देके आएंगे, अच्छा छाती पे वार लोगे तो मर जाओगे मर जाएंगे तो मर जाएंगे पीठ नहीं दे ऐसा ऐसा इसमें होता है ना रण ये सिखाया जाता है, हाँ सैनिक को सिखाया जाता कि जो रण में मरता है वही वीर पुरुष होता है और उसी ने जीवन जिया बाकी तो सब बूढ़ा, ये जो मिलिट्री वाले होते हैं ये जो सिविलियंस होते हैं इनको सबको बूढ़ा समझते हो, उनके दिमाग में सब भर देते हैं एकदम बैंड बाजा बजा बजा के बजा बजा के बजा बजा के क्योंकि दिमाग में ही भर जाता है बस कि दुनिया में लाइफ तो केवल मिलिट्री की है बाकी तो ये सब गंवार है अनपढ़ जाहिल जो भी दुनिया भर की सब ये सब वो पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर लेता है, उसमें कोई गलती से फंस जाता है ना एक बार आदमी निकल नहीं पाता वहां से, मिलिट्री की नौकरी होती है ऐसी बॉल भराते हो तुम कहीं भी चले जाओ वो ढूंढ के ले आएंगे तुमको,
बीस बीस साल के मोटर थे, अपने जेली लोग तो जाते हैं उसमें जो चले जाते हैं बाद में बताते हैं कि भैया क्या हुआ। लेकिन बात तो ये बतानी है कि शरीर से यद्यपि राग बहुत होता है, शरीर से बहुत काम सकते हैं, लेकिन देखो मान कषाय तीव्र हो जाती है तो शरीर से वो घट जाता है, वो कषाय की ज़्यादा आकुलता है। मैंने मेरा नाम नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा नाम जो है वो मेरे नाम पे कलंक नहीं लगना चाहिए, मरने के बाद मेरा यश रहना चाहिए, तो उस यश के लिए वो मरने को भी स्वीकार कर लेते हैं। सुसाइड बॉम्बर होते हैं, होते कितने सारे, अब बोलो खुद ही मरने के लिए जा रहे, क्यों, नाम हो जाएगा नाम, इसी नाम की इतनी आकुलता है, कोई जानता ही नहीं है इसे, कौन जानता है दुनिया, कल से कल मर जाएंगे, किसी को मार के जाएंगे तो लोग जानेंगे तो सही कि इसने मारा था क्या अमर हो जाएंगे, और उन 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 मुल्कों को इसी तरह की शिक्षा भी मिल जाती जिहाद के नाम पे, कि जो इस पे मरा है वही शहीद है, अरे क्या शहीद, जो मार के मरा है वो शहीद है, वो अपने को शहीद मानते हो, मैंने यहाँ आ जाए अपन सबको मार डाल तो शहीद हो गए, अब शहीद तो हम हुए कि वो हुआ है, शहीद तो अपन हुए ना, वो तो आतंकी है, लेकिन वो आतंकी को क्या कहते हैं शहीद, और उसने हम सब काफिरों को, हम सब पापियों को मार डाला, पापी थे हम सब, तो कहते हैं कि आकुलता यद्यपि मरने में कितनी आकुलता होती बोलो, लेकिन इसको काई की आकुलता ज्यादा है, मान की, मेरा नाम रहे, नाम की आकुलता ज्यादा हो गई तो नाम के लिए मरना भी इसने स्वीकार कर, रण में मानादि के कारण शरीर अधिक से मोह बढ़ जाए तो मरने की भी थोड़ी आकुलता होती, इसलिए ऐसा जानना, मैंने उन्होंने सब उदाहरण दे दिए, कोई कहे मरने से ही आकुलता होती कि नहीं, मरने से भी ज्यादा आकुलता कषाय की होती है, क्योंकि कषाय की आकुलता इतनी है कि वो सहन नहीं हो रही थी, मरना सहन कर लिया, समझ में आया ना, मान कलंक लगे वो स्वीकार नहीं है, कलंक लगने के पहले खुद मर गए, क्या तो वो सिद्ध ये करना है कि संसार अवस्था में भी आकुलता से ही सुख दुख है, इसलिए ऐसा मानना कि संसार, ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, ऐसे ही माने जाते हैं कि कोई कारण से, मैंने आपको एक चीज डिफाइन कर दो कि साहब इससे सुख होता है, इससे दुख होता है, तो आप कोई भी बाहर की सामग्री नहीं डिफाइन कर सकते कि मकान से सुख होता है, कई लोग ऐसे हैं मकान की मारे दुखी, क्या मकान के मारे दुखी, ऐसे भी लोग हैं, मकान से दुख नहीं हो सकता, अरे आकुलता हो जाए तो मकान में दुख हो जाए, आकुलता है दुख का कारण, ये तो सारे मकान वाले सुखी होते थे, मकान की आकुलता नहीं होती, दूसरी चीजों की आकुलता, आकुलता कारण एक ही वस्तु तो ही नहीं, मैं अब तक मकान की संबंधी आकुलता की मकान नहीं, मकान हो गया, अब दूसरी आकुलता चालू होगी, ये नहीं, वो तीसरी आ गई, फिर चौथी की आकुलता हो जाएगी, संसार में एक क्षण भी आकुलता से रहित कहाँ होता है, क्या, इसलिए ऐसा जानना कि आकुलता संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख होता है, मतलब परद्रव्य के कारण सुख दुख नहीं होता है, ये सिद्ध करना है कि आकुलता घटने से सुखी कहा जाता है और आकुलता बढ़ने से दुखी कहा जाता है, बाकी बाहर में चाहे जैसी प्रवृत्ति हो, चाहे बाहर में कोई संयोग सामग्रियों का संयोग हो चाहे न हो, जिसके आकुलता कम है वो सुखी है, जिसके आकुलता ज्यादा है वो दुखी है, ऐसे कोई गाली दे या नहीं दे, कोई गाली देने के कारण दुखी नहीं है, वो अपनी क्रोध कषाय के मारे दुखी है, क्योंकि क्रोध कषाय के कारण उसको जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और जिसके क्रोध कषाय कम होती है उसके कुछ भी कहो तो भी उसको गुस्सा नहीं आता, माने कषाय से वो आकुलता होती है और उसका आकुलता से दुखी होता है, क्या, ऐसे ही गाय बछड़े का कहा, भाई गाय और बछड़े में क्या है, गाय और बछड़े यद्यपि कोई मतलब नहीं है लेकिन क्या है, मोह होने से आकुलता होती है इससे दुख होता है, यद्यपि बछड़े के मरने से गाय को क्या दुख है, कोई दुख हो गया मर गई है, लेकिन बछड़ा मरने से गाय को आकुलता क्यों होती, मोह कर बछड़ा मर जाता है तो गाय को बछड़े का बछड़े जैसा
एक पुतला बनाया जाता है, मालूम आपको, बछड़ा मरता है ना, बछड़ा मर जाता है कभी कभी जन्म देते समय या और कोई बीमारी वीमारी से, तो जैसा बछड़ा होता है तो बछड़े जैसा एक पुतला बनाते हैं, उसमें भूसा भरते हैं, बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको जैसे बछड़ा है, और वो गाय के सामने रखते हैं, वो गाय उसको देख के दूध देती है। नहीं देखे आपने इसे? मैंने कई बार देखे। क्या मरी हुई गाय का भूसा बना के बनाते हैं, मतलब उसका बछड़े जैसा, और फिर वो दूध देना चालू करती है, उसके बिना दूध नहीं देती, इतनी दुखी हो जाती है एकदम व्यथित। पशु है बोलो, इतनी आकुलता बहुत है, मतलब ये तो उल्टी बात है, वैसे कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी इस बात के, इस बारे के लिए है कि देखो कितनी उनमें कितनी चेतना है, इस बारे की जो है, लेकिन इस बारे की भाई ये चेतना के कारण वो मोह के कारण दुखी कितनी आकुलता है ना उसको भी। ऐसा शरीर, अब शरीर का मरने में वैसे तो आकुलता होनी चाहिए, लेकिन ये सुभट के साथ मूर्ख है कि मान कषाय के कारण वो मान की ज्यादा आकुलता है, और ये शरीर मरने में नहीं हो रही है। कोई कहे कि शरीर मरता है तो दुख होता है, तो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर मरना भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि सुभट के शरीर ज्यादा है तो भी उसके मरने से दुख नहीं हो रहा है, उसको दुख इस बात का होता है कि मेरी इज्जत कम नहीं हो। समझ में आ रही बात? मैंने आदमी के कोई भी चीज दुख का कारण नहीं, कि साहब कोई मार रहा है इसमें दुख, मारने से दुख नहीं है, तुम्हारी अपनी कषाय से दुख है। क्यों? क्योंकि सुभट को मारने में भी उसको मान कषाय अधिक होने से तो मारने में भी उसको सम्मान लगता है, तो उसको दुख कम होता है। समझ में आ रही बात? सुभट के मान कषाय अधिक होने पर मरने पर भी आकुलता कम होती, इसका मतलब मरना भी आकुलता का कारण है, कुछ नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मरना यदि आकुलता कारण होता तो सुभट के मरना भी आकुलता कारण होता, लेकिन उसको लग रहा हो कि इज्जत बहुत बढ़ेगी, वीर कहलाऊंगा, तो मरने के लिए भी तैयार। इसका मतलब कोई कारण हम सुख दुख का नहीं कह सकते किसी स्थिति किसी चीज को, कि साहब मरने से दुखी होता है या इससे सुखी होता है, पैसा आने से सुखी होता है और पैसा नहीं आने से दुखी होता है, कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। नियम किसका बनाया जा सकता? आकुलता का नियम, कि आकुलता बढ़ेगी तो दुख होएगा और आकुलता घटेगी तो सुख होगा, ये नियम है। और आकुलता का बढ़ना घटना काय की वजह से होता है? और आदि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार, ठीक है ना। मैंने इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें लेनी है अपने को, इसका सार यही है कि संसार अवस्था में बाह्य सामग्री के कारण सुख दुख नहीं है, सुख दुख का कारण आकुलता घटना बढ़ना है। आकुलता घटने से संसार में सुखी होता है और आकुलता बढ़ने से दुखी होता है, बाह्य सामग्री के कारण सुखी दुखी नहीं होता। एक तो ये पॉइंट हो गया, समझ में आया ना। और आकुलता का घटना बढ़ने का नियम कोई बाह्य सामग्री से नहीं है, तो आकुलता कैसे घटती बढ़ती है? रागादि कषाय से। आकुलता का बढ़ना घटना रागादि कषाय बढ़ने घटने के अनुसार, जितनी जितनी रागादि कषाय बढ़ेगी उतनी उतनी आकुलता बढ़ेगी, जितनी जितनी रागादि कषाय घटेगी उतनी उतनी आकुलता घटेगी। मतलब इसका सामग्री से प्रपोर्शन नहीं है, किसका? आकुलता का। आकुलता इज नॉट प्रपोर्शन टू सामग्री, आकुलता का प्रपोर्शन किससे? रागादिक कषाय। क्या रागादिक कषाय का मतलब समझना? मिथ्यात्व कषाय भाव, जिसका जितना मिथ्यात्व कषाय अधिक है वो उतना ज्यादा आकुलित है, जिसका जितना मिथ्यात्व कषाय मंदा है, जिसका जितना मोह मंदा है उसको उतनी कम आकुलता। अपन धर्म की शरण में आते ना, अपना मोह मंद हुए बिना रहते ही नहीं, और इसलिए अपने आप अपनी आकुलता क्या होती है? कम होती है। आकुलता कम होने से शांति लगती है, और जो इसकी शरण में नहीं आते वो तीव्र होता है, तो वो तीव्र होने से आकुलता बहुत होती है, और आकुलता बहुत होने से महादुख होता है, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता, उन्हें प्रतीति नहीं होती है, उन्हें सब उन्हें अंदर का पूरा पोस्टमार्टम तो की आत्मा का पोस्टमार्टम करे कि भाई ये मैं दुखी हूँ और दुख का कारण क्या है,
दुख का कारण आकुलता है, आकुलता क्यों रही है, आकुलता मोह से हुई, मोह शब्द सुना उसने अपनी जिंदगी में तो क्या मालूम पूछा है। अपन जब तक धर्म के शरण में नहीं आओ तब तक क्या मालूम कि ये कषाय क्यों हो रही है, आकुलता क्यों हो रही है, तो समझ में आता है कुछ नहीं समझ में आता। जिंदगी जीते रहते ऐसे कैसे ढोर जैसे कुछ नहीं मालूम है, पर जी रहे हैं सब, अपन भी जी रहे हैं, जीने का इसमें जीने का प्रयोजन कुछ नहीं मालूम ना कि भाई हमारे दुख का कारण कौन है, सुख का कारण कौन है, हम दुखी क्यों होते हैं, सुखी किससे होंगे, कुछ नहीं मालूम। जिसको कुछ नहीं मालूम वो दुख भी हो, दुखी भी होता है और दुख से छूटने का उसको उपाय भी नहीं सोचता क्या करें। उपाय फिर यही सोचता है कि सामग्री और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो, पूरी दुनिया यही कहती है कि खूब सामग्री आ जाएगी तो खूब सुखी हो जाएंगे, फिर अपन भी खूब सामग्री जोड़ लो तो अपने भी खूब सुख हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। आकुलता महाआकुलता में जीते। मैं तो कहता हूँ जितने जिसने भी धर्म की शरण ली है, एक बार आप बाहर से जीवन देखना तो आपको लगेगा साक्षात नरक में जी रहा है, यही नरक है। मतलब कितनी आकुलता चलती है इसको, कितनी आकुलता में जीता है। जिसको धर्म की शरण ली है आकुलता ही आकुलता है उसके जीवन क्या। जिसके मोह मंद हो जाता है तो मोह मंद होने से ज्ञान बार बार चेताता है, तुरंत चेताता है उसको, तुरंत उसकी आकुलता कम हो जाती है, चाहे कैसे संयोग बने कैसी प्रतिकूलता बने, वो ज्ञान उसको बराबर जगाए रखता है। ज्ञान जागृत रहने से मोह मंद रहता है, मोह मंद रहने से आकुलता कम रहती है, पर आकुलता कम रहने से सुख लगता है। ये है सुखी होने का उपाय। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और कषाय इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब इसके कुछ कषाय का उत्संबन होने से आकुलता घटती है तब सुख मानता है। सो इच्छानुसार सामग्री और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है तो दुख मानता है। सो हे तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। क्या कह रहे हैं हमें समझ में आया ना। देखो परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं, ये सिद्ध करना है। बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख का कोई संबंध नहीं। सुख दुख तो फिर काय से सुख होता है, कषाय से इसकी इच्छा होती है और इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिल गई तो इसके कषाय का उपशमन होने से जो आकुलता घटी तब सुख मानता है। अब अगर सुखी भी अभी हुआ काय से हुआ, आकुलता घटने से, आकुलता काय से घटी, कषाय का उपशमन हुआ है ना, तो अभी भी सुखी तो कषाय के उपशमन से ही हुआ है। जैसे किसी को किसी सामग्री की इच्छा थी और वो इच्छा की पूर्ति हो गई तो वो इच्छा की क्या हो गया, वो इच्छा की पूर्ति हो गई तो अब वो इच्छा का क्या हो गया, शमन अभाव हो गया ना। तो सुखी तो इच्छा के अभाव होने से ही हुआ ना, कैसे हुआ, सामग्री मिलने से कि इच्छा के अभाव से, वो इच्छा चली गई इसलिए सुख का अनुभव करता है कि अब वो उस जाति की इच्छा नहीं है, अब उसकी आकुलता नहीं है उस इच्छा को पूरी करने की, तो वो आकुलता इच्छा पूरी करने की मिट गई इसलिए सुखी है। तो वो सामग्री के कारण सुख नहीं आया है, उस सामग्री आने पर भी जो इच्छा उपशमित हुई मैंने इच्छा मिटी तो इच्छा मिटने से सुख आया है। ये जीव ये नहीं समझता कि इच्छा मिटने से सुख आया है, वो समझता है वो सामग्री मेरे पास आ गई है उससे सुख आया, वो सामग्री ने सुख दिया है, जैसे कि सामग्री से मुझे सुख मिलता है, सामग्री से सुख नहीं मिलता है। तेरी जो सामग्री की इच्छा थी जैसे ही वो आ गई वो वाली इच्छा खत्म हो गई तो वो इच्छा खत्म होने से उस इच्छा की आकुलता चली गई, तो आकुलता चली गई तो सुख लगा। निमित्त सामग्री नहीं बनी, यदि सामग्री होने पर भी अन्य द्रव्य की जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे वो एक आकुलता एक उपशमित हुई तो वो आकुलता गई ना, और फिर क्या होता है कि कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो गई, अब अन्य इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर उसके दुख को भोगता है। अब यहाँ वो सामग्री बनी समझ लो, लेकिन जितनी अंशों में बनी और उससे अधिक की इच्छा डबल जागृत हो गई, हाँ सामग्री का संयोग आने पर भी सामग्री का संयोग हो और फिर भी वो कषाय उस समय न मन नहीं हुआ,
चीज तो भोगी लगी, अभी वो इच्छा समाप्त नहीं हुई, तो इच्छा समाप्त में पेड़ भरा गया लेकिन अभी भी इच्छा पूरी नहीं, अभी भोगने की भी इच्छा, तो भोगने की अभी भी इच्छा है, दुख है अभी भी, अभी भी अंदर से दुख नहीं दूर हुआ है, उस संबंधित दिमाग से वो चीजें निकली ना, अभी भी उसका आकुलता बनी हुई है। घूमने गया, देख ली चीज, सब कर ली, भी मन नहीं माना साहब, थोड़ा मजा नहीं आया, कुछ और देखना है, अब और देख, और किसी को हो गया कि हाँ खत्म, देखने की इच्छा नहीं हो गया, अपने देख लिया खत्म। तो वो भी अंदर की कषाय से होता है, किसी के देखने पर वो इच्छा समान हो जाती है, किसी के समझ नहीं होती है, तो समझ नहीं होती है तो दुख चला करता है, देख मिली तो उससे क्या होगा। कोई भी सामग्री नियामक नहीं है कि वो इच्छा उपशमित कर ही देगी, वो हो सकता है कभी कभी तो वो इच्छा में अग्नि में इच्छा रूपी अग्नि में घी डालने का काम कर दे, लो अभी ये देखा, अब और क्या देखना, और क्या क्या बचा है यहाँ पे देखने का, क्या लोग घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो एक जगह घूम गया है, अब एक जगह घूम गया है ना, तो वो घूमने मतलब घूमना ज्यादा वो इच्छा के समन करने का कारण होना चाहिए, लेकिन एक घूमी तो दूसरी का वही प्लानिंग चालू हुई, अब हमने वहां ही जाना है, चलो अब दूसरी जगह घुमा दो, दूसरी घूमी, तीसरी चालू। इच्छा जब तक वो शमित नहीं होगी, जब तक अंदर से ये भाव नहीं मिटेगा कि हमें कुछ नहीं देखना है, देखने लायक सब देख, तब तक आकुलता बनी रहे, एक को देख लो दूसरे, कब तक, दुनिया में चीजें कितनी है, रोज घूमने जाओ तो भी जगह कम पड़ जाएगी, दिन कम पड़ जाएंगे और जगह इतनी रहेगी, कितनी दूरी, और देखने को क्या है, कुछ भी कर दो, लोराज बाहर देखने चले जाओ, देखने क्या चले भाई, एक नहीं है कहीं का भी कुछ भी बना देते, प्रोग्राम बनाने के लिए क्या है, और जो भाव ही मिट जाए देखने लायक सब देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं, तो सामग्री से नहीं मिटती, एक्चुअल में अंदर की कषाय घटने से मिटती है, नहीं तो सामग्री से मिटती होती तो ये जो है जिनको खूब जिन्होंने देख लिया उनकी भी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए ना, तो क्या होती घूमने का प्लान रहा, प्रोग्राम बनते ही रहता, और जैसे कषाय बंद होती है तो उसे प्रोग्राम नहीं, कषाय का उपशमन है क्या, कषाय वास्तव में तो शांति मिलती है वो कषाय के उपशमन से मिलती है, कि जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सामग्री मिली है तब उससे शांति आई है, क्योंकि सामग्री के मिलने का काल और कषाय के उपशम होने का काल एक रहता है, तो एक रहने से भ्रांति हो जाती है कि सामग्री से सुख आया है, कषाय के उपशम से सुख नहीं आया, जबकि उस जाति की कषाय मिट गई, अब उसकी आकुलता ने सताना बंद कर दिया, मतलब वो इच्छा अभी तक क्या कर रही थी, आकुलित कर रही थी, अब उस इच्छा ने पीड़ित करना बंद कर दिया, तो पीड़ा चली गई, आकुलता चली गई, तो सुख अनुभव हुआ, समझ में ये बहुत पंडित जी मनोविज्ञान में घुस घुस के बाद, सामग्री ना मिलने से भी इच्छा चली जाती है, हाँ तो भी सुख लगता है, तो भी सुख लगता है, कोई सामग्री नहीं मिली लेकिन उस जाति की इच्छा इच्छा ही चली गई तो भी शांति मिलती, होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है और तब सुख मांगता है, और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब क्या होता है, तब भी कषाय बढ़ने से, उस सामग्री नहीं मिलने से दुखी नहीं है, उस समय भी कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मांगता है। सो हे तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ये तो ऐसा कैसा, ये कषाय उपशमित होने से आकुलता घटती है और उससे सुख होता है, और ये क्या मानता है, सामग्री मिलने से सुख होता है, सो ये भ्रम है, सो हे तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है, सामग्री के निमित्त से सुख दुख जानना भ्रम ही है, यही तो भ्रम है, इसी भ्रम को मिटाने के लिए तो बनिया है, यही मोह है, इसी का नाम इच्छा, ठीक है, बाकी चर्चा करते हैं।
Thank you.